Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या चीज है? फर्क क्या, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें जो तन्हा तन्हा, ये अकेला, जो सबसे अलग तलग, जिसका कोई दोस्त नहीं है, वो नाइन है, तो नाइन ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या ये चार भी कांस्टेंट है? चार एक्स जो इस तरफ फोर एक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। कांस्टेंट की हमें, हम कहते हैं ना, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। तो क्या इस चार की, ये वाला जो चार है, ये भी देखने को तो कांस्टेंट लग रहा है, इसकी वैल्यू फिक्स लग रही है, क्या ये कांस्टेंट नहीं हो सकता? ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। वजह मैं आपको एक एग्जांपल से इसकी वजह बताता हूं। अगर हम एक्स की जगह पर वन लिख दें, फिर टू लिख दें, फिर थ्री लिख दें, तो क्या फर्क पड़ता है इस टोटल की वैल्यू पर, फोर एक्स की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क वो जो पड़ता है मैं आपको बता, फोर एक्स की जगह पर जब हमने एक्स की जगह पर वन रखा तो फोर आ गया, फोर एक्स की वैल्यू फोर आ गई। अब एक्स की जगह पर मैंने जब टू रखा तो एट आ गई, थ्री रखा तो ट्वेल्व आ गई, फोर रखा तो सोलह आ गई, इसलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रही। तो ये चार जो है वो, जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, वो कांस्टेंट रकम नहीं है। कांस्टेंट रकम वो है जो बजाते खुद ही फिक्स वैल्यू है, जिसकी वो नाइन की वैल्यू फिक्स है। उस इस तरह वाई का भी हिसाब है, अगर वाई की जगह पर वन रख लें तो भी उसकी वैल्यू फाइव आ जाएगी, टू रख लें तो टेन आ जाएगी, सो ऑन, इस तरह उसकी वैल्यू तब्दील होती रहेगी, लेकिन नाइन की वैल्यू तब्दील नहीं होगी। तो कांस्टेंट वो रकम होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और अपीरेंस से वो एक अलग थलग नजर आ रही होती है, जैसे ये हमें नजर आ रही है, अलहदा ही, वेरिएबल के बगैर ही, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन बनाते हैं कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या चीज होती है? अ टर्म दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू एंड अपीयर्स सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक ऐसी टर्म जिसकी फिक्स वैल्यू होती है और हमें अलहदा ही नजर आ रही होती है, वेरिएबल से अलहदा ही नजर आ रही होती है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। अब ये इस एक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में ये जो तीन बेचारा अकेला तने तनहा खड़ा हुआ है, ये ही कांस्टेंट है जो हमें सबसे अलहदा, अलग थलग ऐसी रकम जो वेरिएबल से अलहदा ही खड़ी हुई हो, वेरिएबल से अलहदा नजर आती है हमें एक्सप्रेशन में, वो कांस्टेंट कहलाती है। ये दो एक्स प्लस तीन वाई, इसमें ये भी एक वैल्यू है साथ जो उसके लगी हुई है, दो एक्स दो जो है वो फिक्स वैल्यू है उसकी, लेकिन वो कोफिशेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। इसी तरह 3y में 3 जो है वो ऐसी वैल्यू तो है जिसकी कीमत है कोई फिक्स, लेकिन एक्चुअली वो फिक्स कीमत नहीं है। 2x प्लस 3y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। अब 2x जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसी तरह 3y जो है वो y की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जब भी x और y की वैल्यू चेंज होगी तो इन दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट ये 3 है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, उसको किसी से कोई सरोकार नहीं है, वो तने तनहा अकेला और कांस्टेंट है। एंड दिस इज द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट।